गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 12 जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों का सैद्धांतिक यानी जो थ्योरी हम लोगों का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम लोगों को जो है 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कुछ जो है इकाइयां बटी हुई हैं, इन इकाइयों के अंतर्गत कुछ जो है टॉपिक हैं छोटे छोटे, उनके बारे में अध्ययन करना है। जिसमें इकाई फर्स्ट में हमको रिप्रोडक्शन जनन के बारे में अध्ययन करना है कि जनन जो है कैसे होता है। इसमें विशेष रूप से पढ़ना है पौधों में जनन, पौधों में जनन जो है किन किन विधियों द्वारा होता है, और मुख्य रूप से इसमें लैंगिक जनन के बारे में जो है अध्ययन करना है। उसमें फ्लावर का जो है चित्र बनाना है, उसमें जो है पुंकेसर स्त्रीकेसर और उसके जो है अंडे का निर्माण या उसके अंडाशय का निर्माण किस तरह होता है, फल कैसे बनता है, फल के बाद बीज कैसे बनता है, फिर नए पौधों का जो है जनरेशन यानी जनन की क्रिया द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। फिर एक इसमें एक और छोटा सा टॉपिक अनिषेक फलन, यानी कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें अनिषेचन क्रिया यानी बिना निषेचन के द्वारा ही पौधों का कुछ ऐसा भाग है जो ग्रंथि लोकर खाने योग्य भाग बनाता है, उसको अनिषेक फलन के अंतर्गत रखते हैं, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोकार्पिक, उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर इसी जनन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मानव के जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका विस्तृत अध्ययन करना है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अलावा एक विस्तृत जो है माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करना है स्पर्म का, वृषण का और ओवरी अंडाशय का, कि किस तरह जो है जीवों का यानी मानव में जीवों की उत्पत्ति होती है और कौन कौन से डेवलपमेंट के स्टेज हैं, उन स्टेज के बारे में जो है देखना है। फिर इसके बाद इसमें जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो है कुछ रोग आते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में कि हम जो है स्वस्थ कैसे रहें, और कुछ डिजीज होती हैं या कभी कभी ऐसे हैं कि बध्याकरण हो गया उसके बारे में, या नपुंसकता हो गया, या टेस्टिव बेबी है, इसके बारे में जो हम लोग जो है जनन के अंतर्गत ही यानी जनन स्वास्थ्य में ही हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। यह हमारा जो है 14 अंक के क्वेश्चन जो है जनन से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 14 नंबर के जो है प्रश्न जो है जनन जो है इकाई इससे पूछे जाएंगे। अब दूसरी इकाई है आनुवंशिकी और विकास यानी हेरिडिटी के बारे में डिटेल्स अध्ययन करना है, इसके जनक कौन है, इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, और हेरिडिटी के माध्यम से जीवों में कैसे विकास होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। उसमें मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ हमारे शरीर में है, डीएनए आरएनए है, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर इसमें विकसित जो होते हैं यानी डेवलपमेंट जो होता है डीएनए आरएनए का, तो उसके अंतर्गत जो है हम लोगों को जो है एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में सचित्र वर्णन करना है। फिर एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी वाटसन क्रिक का डीएनए का जो है द्विकुंडलित मॉडल के बारे में अध्ययन करना है। यह हमारा जो है आनुवंशिकी और विकास से जो संबंधित है, यह जो है 18 नंबर के प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला तीसरे यूनिट है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, यानी जीव विज्ञान और मानव कल्याण में किस तरह से प्रसार प्रसार होता है। जैसे पशुपालन के क्षेत्र में देखा जाए तो पशुपालन के लिए तमाम तरह के जो है सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पशुपालन जैसे कुक्कुट पालन हो गया या सुअर पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तमाम तरह के या मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, इसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसमें जो विकसित कैसे होते हैं, डेवलपमेंट उनकी नर्सरियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो 14 अंक के हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला हम लोग का चौथा है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी सबसे मस्त है, और इसके अनुप्रयोग यानी इसके जो अनुप्रयोग किन किन क्षेत्रों में है, तो इसके द्वारा आप देखेंगे कि बीटी फसल करके आता है। बीटी फसल में सबसे ज्यादा फेमस है कपास, बीटी कपास यानी बीटी जो है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बीटी कपास जो उत्तम किस्म के रेशे वाली कपास उत्पन्न की जाती है। फिर इसी तरह भेड़ से भी उत्तम किस्म के ऊन जो है यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा भेड़ का क्लोन तैयार करके उत्तम किस्म के ऊन प्राप्त करते हैं। फिर है इंसुलिन
मानव में इंसुलिन के खपत न होने के कारण जब बाहर निकलने लगता तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसके जो है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इंसुलिन के बारे में डिटेल अध्ययन करना है। फिर एक बायोपायरेसी है। बायोपायरेसी में देखें अमेरिका कुछ फ्रांस कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ का जो है बासमती चावल है उसको पेटेंट के रूप में अनुग्रहित कर लेते हैं, उससे अधिक मात्रा में जो है लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारे बिना सरकार की अनुमति के इजाजत के उसको बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी के बारे में जो है डिटेल अध्ययन करना है। यह हमारा जय प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 10 अंक के आएंगे। अगला पांचवा है पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल के बारे में अध्ययन करना है। इसमें हम लोग के पारिस्थितिक में जो हॉट स्पॉट देखे होंगे, फिर रेड डाटा बुक में दुर्लभ जीवों का जो है रेड डाटा बुक में नाम जो है लिखा जाता है, उनको जो है विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं संचालित किए जाते हैं। फिर बायो रिजर्व पार्क, जैसे हमारे यहाँ जो बहुत से रिजर्व पार्क है जिसमें दुर्लभ जीवों को जंगली जीवों को रखते हैं। फिर जो है उद्यान यूपी में भी दुधवा नेशनल पार्क है या बहुत से छोटे बड़े जो उद्यान भी हैं इनके बारे में जो है अध्ययन करना है। तो यह हमारा जो आता है 14 अंक का, टोटल हमारा जो है 70 अंक का है, लेकिन इन जितनी यूनिटें हैं जितनी इकाइयां हैं इसमें से 30% सिलेबस जो है COVID-19 की वजह से हटा दिया गया है, इस सिलेबस को काट दिया गया है, जो बताएं वही मेन पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा जो है 30 अंक का प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल से भी कुछ हटा दिए गए हैं COVID-19 की वजह से, तो मेन जो है उसी के बारे में रहेगा, टोटल ये 30 अंक का हो जाएगा। महायोग हमारा जो है 100 अंक का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ऑनलाइन क्लासेस में जनन, पौधों में जो है जनन कैसे होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।